मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध तमंचा सहित जिंदा कारतूस किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने नगर के एक ही दुकानदार के पान के डिब्बे में एक अवैध असलाह सहित एक जिंदा कारतूस बरामद की है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार युक्त युवक आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिससे मोहल्ले के अधिकांश लोग नाखुश थे तथा आए दिन युक्त युवक द्वारा किसी न किसी से झगड़ा फसाद करना उसका मुख्य व्यवसाय था। नगर के मोहल्ला हैदरगंज स्थित मदरसा स्कूल के सामने कमाल अहमद उर्फ बाबू मातम नामक युवक परचून की दुकान किए हुए हैं, जहां वह चाय, समोसा तथा गुटखा आदि की बिक्री करता था, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली ने SI रवि मेहता तथा कांस्टेबल दिलीप यादव ने मौके पर पहुंचकर जब उक्त युवक से पूछताछ करते हुए दुकान की तलाशी लेने की बात कही तो युक्त युवक वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से तू तू में बात करने लगा, जिसके बाद SI रवि मेहता द्वारा उसे दुकान का ताला खुलवाकर तलाशी ली गई और एक अवैध असलाह सहित एक जिंदा कारतूस मौके की बरामद हुई। हालांकि यह नज़ारा देखकर वहां मोहल्ले वासियों की काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन असलाह बरामद होने के बाद भी युक्त युवक असलाह उसका ना होने की दुहाई देने लगा। हालांकि वहां मौजूद कुछ पत्रकारों द्वारा मौके पर वीडियो भी बनाया जा रहा है, जिसमें अवैध असलाह बरामद होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल उक्त युवक ने दोनों पुलिसकर्मी कोतवाली ले आए हैं। आपने खड़ा हो पाई नहीं रिपोर्टर रूपेश कुमार, लोकेशन मौदहा।